जीटीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकिन कुरेशी और आप देख रहे हैं जीटीएन 7 न्यूज। इस वक्त जीटीएन 7 की टीम मौजूद है लखनऊ में और इस वक्त वर्तमान में हम लोग मौजूद हैं लखनऊ नगर निगम के वार्ड खरीका प्रथम फर्स्ट में। आज राजीव नगर घोसियाना में हमारे साथ मौजूद हैं यहां के मतदाता, यहां की महिलाएं, यहां के लोग। जानेंगे उनकी राय में उनका पार्षद, उनका मेयर कैसा होना चाहिए, इस वार्ड में महिलाओं से संबंधित क्या मुद्दे हैं, यहां की महिलाएं किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली हैं। जानेंगे महिलाओं की राय में उनका पार्षद कैसा होना चाहिए। आपको बताता चलूं, फर्स्ट फेस में जहां लखनऊ में 4 मई को मतदान होना है, तो वहीं इस खरीका प्रथम वार्ड 30 में 17 प्रत्याशी इस बार अपनी किस्मत को चुनावी मैदान में आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। बताते चलें, जिसमें 5 राजनीतिक दलों से हैं और बाकी निर्दलीय प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुद्दों की बात करें, यहां पर सफाई सब अहम मुद्दा है, यहां पर सड़कें टूटी फूटी हैं, यहां पर गंदगी है और वर्तमान जो यहां की निवर्तमान जो पार्षद हैं यहां की मिश्रा, श्रीमती मिश्रा जी, अब उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी अन्य नए प्रत्याशी पर दांव खेला है। क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कामयाब होगी, क्या कोई निर्दलीय प्रत्याशी यहां से अपनी जीत का परचम लहराएगा। जानेंगे महिलाओं के बारे में उनके मुद्दे, उनका पार्षद कैसा होना चाहिए। जी आपका नाम? लीला कोटलिया। लीला कोटलिया जी, चुनावी मैदान है, नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है, 4 मई को आपको अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना है, वोट डालना है, अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, क्या किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे इस बार? किन मुद्दों पर? यहाँ पर शिवर लाइन नहीं है जी, गंदगी है और ये रोड नीचे है, इधर रोड नहीं बनी है और बरसात में बड़ी मुश्किल होती है। बताइए महिलाओं से संबंधित क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? महिलाओं के बता रहे, चलिए आगे बात करते हैं महिलाओं से संबंधित, क्योंकि इस वक्त इस डिबेट में, इस कार्यक्रम में हमारे सबसे अधिक महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? बबीता सिंह। बबीता जी, ये बताइए 4 मई को आपको वोट करना है, अपना नया पार्षद चुनना है, क्या किसी राजनीतिक दल पर भरोसा जताएंगे या फिर किसी निर्दलीय पर आप अपना विश्वास जताएंगे? भरोसा है, निर्दलीय पर भरोसा रहेगा। यहाँ महिला के लिए किसी वो नहीं है कि कोई औरत काम कर सके, अपने बच्चे पाल सके, काम धंधा कुछ नहीं है यहाँ पर। चाहते हैं कि यहाँ कोई काम धंधा औरतों के लिए भी ले कि बैठ के सिलाई बिनाई कर सके इकट्ठा होकर, हम यही चाहते हैं। मतलब महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करे, ऐसा पार्षद आपका होना चाहिए। जी आपका नाम? रूना सिंह। रूना सिंह जी, रूना सिंह जी, 4 मई को मतदान होने वाला है, पार्षद आपको चुनना है, राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं, अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, क्या इस बार किसी निर्दलीय पर दाव खेलेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी जीत का परचम लहराएगा या फिर कोई राजनीतिक दल का पार्षद ही यहां से चुन कर जाएगा? नहीं, बिल्कुल निर्दलीय पे ही भरोसा करेंगे। निर्दलीय पर क्यों? बस भरोसा है क्योंकि पार्षद पहले देख चुके हैं, वो लोग कुछ नहीं किए, इस बार निर्दलीय पे भरोसा करके देखते हैं। विकल्प के तौर पर अगर बात की जाए तो 5-5 राजनीतिक दल हैं आपके पास, निर्दलीय पर दाव क्यों? बस इस बार मन है कि निर्दलीय पे करे और इनको एक मौका दे या मतलब महिलाओं के लिए कुछ कर सके ये, क्योंकि यहाँ महिलाएं के लिए कोई भी रोजगार नहीं है, कुछ ऐसा करें कि यहाँ कुछ महिलाएं जैसे घर बैठे काम कर सके। चलिए घर बैठे काम करें, महिलाओं के लिए रोजगार सर्जित कर सके, ऐसे पार्षद की यहाँ पर मांग हो रही है। आपको बताता चलो, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से पूनम मिश्रा जी निवर्तमान पार्षद रही है, उनके 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, किसी नए चेहरे पर भाजपा ने विश्वास जताया। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा जी। आपका नाम? मोनिका सिंह। मोनिका सिंह जी, क्या निर्दलीय पर ही विश्वास जताएंगे या फिर किसी राजनीतिक दल के पार्षद को? यहाँ से राजनीतिक को बहुत मैंने देख ली पर अब निर्दलियों को देखना है मुझे कि ये क्या कर सकती हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में आया नहीं, हमारे घर के पास ही टूटी फूटी रोड पड़ी है, नाली में गंदगी है, सफाई वाला भी आता है 4 महीना में एक बार, तो वो भी कहता है कि 10 रुपया मैडम दे दीजिए, अगर किसी के पास नहीं होगा तो कैसे देगा ये बताइए। हम लोग बेरी औरतें घर में बेरोजगार बैठे हैं, ना कुछ काम ना काज, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भाई रोज सफाई के लिए। एक टंकी भी होनी चाहिए रोड पे ताकि रोड के पानी से सफाई हो कम से कम रोड उड़ की, तो हमारे पास तो इतना व्यवस्था है नहीं कि हम इतना करेंगे। तो भाई हमारा मन है कि हमारा रोड बने, सीवर लाइन निकले, चाहे जो भी जीते निर्दलीय में, पर ये काम जरूर करे, एक टंकी बैठा है हमारे मोहल्ले में,
हर चीज यही चीज चाहती हूँ। वार्ड में सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखते हैं वर्तमान में, जिससे यहाँ के लोग जूझ रहे हैं? वही सब चीज, नाली उली के लिए जूझ रहे हैं, गैस पाइप नहीं है यहाँ, सब जगह हो गए सीवर लाइन नहीं है और नाली कचड़े से भरी पड़ी रहती है, डेंगू मच्छर फैलते रहते हैं, सारे बीमारे पड़े रहते हैं, बारिश में भी दिक्कत होती है, बच्चों का स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है, हम लोग घर में बैठ के रोते हैं कि बाइक से जाएं कि जूता भींगा के जाएं। ये बताइए, इतनी सारी समस्याएं आपके वार्ड में हैं, आप अपने पार्षद के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, क्या आश्वासन मिलता है? कोई सुनाई नहीं है, बस वो कहते हैं साइन करके दीजिए, जब साइन करके देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उसको दबा दिया जाता है, बस कोई नहीं। जनता की आवाज को दबाने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, जनता की समस्याओं से के जीतने के बाद कोई सरोकार नहीं रहता है। बात करेंगे और महिलाओं से। सप्लाई है। मेरा नाम सुभद्र त्रिपाठी है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? मुद्दा यही है कि हाँ, लगा हुआ है पानी का डंगी, उसमें पानी आता नहीं एक बूंद भी, और लगा हुआ और हम बिल देते हैं, बिल देते हैं, नल लगा हुआ है, बिल आता है लेकिन पानी नहीं आता है। जी, आपका नाम? विमला धामी। जी, महिलाओं से संबंधित आपके वार्ड में क्या समस्या है, आधा पाई पड़ा है, किस समस्या से यहाँ की जनता सबसे ज्यादा जूझ रही है? सर, हमको भी वही बोलना है कि यहाँ पर हमारे कॉलोनी में पानी का लाइन नहीं है अभी, और सिविल लाइन की व्यवस्था भी नहीं है, और गैस पाइप भी नहीं है, तो बहुत सारी समस्या है, और अभी तक के सभासदों ने तो कुछ किया नहीं। देखो, अब इनके पे भरोसा करके देखते हैं ये आगे क्या करते हैं। और जो बात इन्होंने बोली कि जो घरेलू महिला है, अगर ये निर्दलीय से जीत जाते हैं तो मतलब कोशिश करें कि जो घर में महिलाएं हैं उनको रोजगार देने के लिए, कोई सी भी छोटी छोटी चीजें, मतलब घर बैठे बैठे महिलाएं अपना खर्चा निकाल सके, पूरी कोशिश करें। हमें पूरा उम्मीद है कि इस बार जो भी सभासद के लिए खड़े होंगे, हम लोगों की आशा पूरी होगी, बनी हुई। बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि जाके अनसुना, जब खड़े हो जाते हैं जीतने के बाद, मतलब वहाँ पर पूछा ही नहीं, सुनवाई नहीं होती, पानी भरा, हम लोग जाते हैं वहाँ पर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई है। पहले जब चुनाव होता है उसके लिए पहले तो आते हैं सब लोग, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जीतने के बाद मतलब देखते भी नहीं है, पहचानते ही नहीं है, ये चीज है, देखते हैं। अब अभी इनसे हमने उम्मीद लगाई है। ऐसा कौन सा निर्दलीय प्रत्याशी जो जीतने के बाद आपके बीच में रहेगा, आपको स्वावलंबी बनाने का कार्य करेगा? देखो, अब जिनसे हमने उम्मीद लगा रखी है, अभी अब जो हमारे घर आएगा, हाँ, पूछेगा, तो उनको हम आगे भी चांस देंगे, आगे भी उनको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा। अगर करते हैं तो अगली बार, अगर हम लोगों की उन्होंने व्यवस्थाएं करी तो हम भी उनको पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम भी उनको आगे, हमारी बात का मान रखें। महिलाओं के उत्थान की बात हो रही है, महिलाओं के मुद्दों की बात हो रही है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात हो रही है। जैसा कि आपने देखा कि महिलाओं ने अनेकों मुद्दे उठाए हैं, लेकिन पार्षद उसी को चुना जाएगा जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाएगा, जो उनको महिलाओं को रोजगार से जोड़ेगा। बात करेंगे उन बुनियादी मुद्दों की जिस मुद्दे पर यहां का चुनाव होने वाला है। बात करेंगे उन मुद्दों के बारे में जिस पर इस बार यहां के प्रत्याशी जनता के बीच, जनता के दरों पर दस्तक दे रहे हैं। अरे, बनी हुई सड़कें नहीं बनाएंगे। जी, आपसे बात करूंगा आंटी जी, आप आगे आइएगा। आपका नाम? कमला देवी जी। कमला देवी जी, प्रत्याशी आपके दरों पर आ रहे हैं, वोट मांगने आ रहे हैं, हर प्रत्याशी का सपना है पार्षद बनना, क्या इस बार किस तरह आपका पार्षद कैसा होना चाहिए, आपका नेता कैसा होना चाहिए? हमारा नेता अच्छा होना चाहिए, जो हमारी कोई भी बात उनके सामने हम रखे, उसको सुने, उसको वो काम के लिए जब हम जाएं तो उसको करें। और सबसे दिक्कत है कि यहाँ पे लाइट ही चली जाती है, तो अगर हम अपना पर्सनल कोई बिजली वाला बुलाए, फिर भी अगर पोल से चली जाती है, कोई चढ़ने वाला नहीं है, दो दिन तक ऐसे लाइटें नहीं रहती है, इसकी समस्या है। बाकी तो रोड पानी ये सब दिक्कत जो है, आप लोग देखिए इसको। ये बताएं, आपके क्षेत्र में एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज की कैसे किस तरह की व्यवस्था है? 5 साल से भाजपा का पार्षद यहाँ पर रहा है, कितने संतुष्ट है? कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ इसकी, मेडिकल की तो कोई नहीं है, अगर आधी रात को कोई है तो आदमी को हो जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, मुद्दे बुनियादी मुद्दे हैं, ना बेहतर एजुकेशन यहाँ जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, ना ही बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ की आवाम को दी जा रही है। महिलाएं हमारे साथ लगातार जुड़ती जा रही है, और अन्य महिलाओं की ओर मैं रुख करूंगा, बात करूंगा। आप प्लीज आप आगे आइएगा, आप लोग अभी इस कार्यक्रम में आए हैं, इनसे बात करेंगे। अभी कुछ महिलाएं हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे इनके बुनियादी मुद्दों के बारे में। प्लीज आप आगे आए थोड़ा सा। मैं बोल चुकी जी, आपका नाम? सायरा बानो जी, चुनाव आपके सामने आ चुका है, प्रत्याशी आपके सामने आ रहे हैं, वोट मांगने आ रहे हैं, आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, क्या समस्याएं दिखती हैं आपको अपने क्षेत्र में?
बारिश बरसात में पानी भर जाता है रोड पे, कमरों के अंदर चला जाता है घरों में, और रोड उसकी सफाई नहीं होती, नालियां भरी रहती हैं, बस यही सब समस्या है। हाँ, बच्चे नहीं जा पाते हैं, दिक्कत होती है बच्चों के लिए। जी, आप बताइए, वाला बोलिए, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है कि पोल यहाँ है नहीं, और जितने भी लाइट कनेक्शन जो भी है, पोल है, पोलों में कनेक्शन नहीं है। अभी ये दिए पोल लगे हैं, इनमें कनेक्शन नहीं है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट है, और पर्सनल लाइट लेने के लिए हमें बहुत आगे जाना पड़ता है, और इसके लिए वो तार टूट जाता है, थोड़ी भी हवा आई तो वो तार टूट जाते हैं, फिर बुलाया जाता है, वो भी 400-500 रुपए लेता है उसको जुड़वाने। व्यवस्था चरमराई हुई है, बिल्कुल यहाँ चरमराई नहीं है, सारी व्यवस्था है, पानी भी सड़क में ऐसे बहता है, लोग शिकायत करते हैं, नाली कोई व्यवस्था नहीं है, पानी क्यों, पानी और पानी लगा हुआ नहीं है, अभी 12,000 पानी लगेगा तो बनानी पड़ेगी, बनती है। चलिए, ना बिजली है ना जनप्रतिनिधियों द्वारा, ना बिजली दी जा रही है, ना विकास दिया जा रहा है, ना बेहतर सड़कें दी जा रही हैं, ना शिक्षा दी जा रही है, ना ही चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। इन मुद्दों के साथ यहाँ की आवाम, यहाँ की महिलाएं इस बार नगर निगम के चुनाव में वोट करने वाली हैं। मैं आशिकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपसे नए मुद्दों के साथ, नए वार्ड के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए GPN 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।